गुरुद्वारा रहनी है हमारा सेकेंड डे। दूसरे दिन का यहाँ का व्यू देखिए हल्की पौड़ी का, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है बट बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक भीड़ नहीं होती है तब तक अच्छा नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी घाट बहुत ज़्यादा फुल है। और फिलहाल हम लोग नहा लिए हैं और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे करके, तो आपको और दिखाती हूँ मैं। और अब देखिए सुंदर लग रहा है, हर तरीके की वाइब्स देखने को मिलेंगी। लोग यहाँ पे गरीब लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, और लोग भी मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे, हिंदी वाले भी मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे सारे लोग देखने को मिलेंगे। और हम लोग गाइस हल्की पौड़ी पर ही हैं, और हल्की पौड़ी पर शायद ही कोई होगा जो हल्की पौड़ी पर नहीं आया होगा, और नहीं आया तो आप लोग आइएगा हल्की पौड़ी पर, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए फिलहाल तो हम लोग हैं ऊपर ब्रिज पे, और यहाँ पे नीचे गंगा जी बह रही हैं। तो गाइस ये है धनुष ब्रिज, और ये देखिए पूरा धनुष बना हुआ है, और काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी यूनिक लग रहा है देखने में। तो आप लोग यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को ज़रूर विजिट करें आके। गाइस बहुत ही अमेजिंग फीलिंग रही है यहाँ पर आकर, बहुत घूमने आया हूँ। और अभी देखिए पूरा आप ब्रिज देख सकते हैं, पूरा धनुष बना हुआ है ऊपर, ये ऊपर पूरा आपको शायद यहाँ से दिख नहीं रहा होगा पूरा, फिर पूरा ऊपर पूरा धनुष बना हुआ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा लगता है। आप भी यहाँ आइएगा तो ज़रूर देखिएगा आके। गाइस आप देख सकते हैं हरिद्वार में कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पे आप कभी भी आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा रश हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पूरे साल भर बहुत भीड़ होती है, और कोई भी सीज़न हो हर सीज़न हरिद्वार एक ऐसा प्लेस है यहाँ सबको आना पसंद होता है। सारे घाट एकदम फुल हैं। हम लोगों का ब्रेकफास्ट तो हो गया है गाइस, तो अभी हम लोग अपने रूम पे जा रहे हैं आउटफिट्स चेंज करने, क्योंकि हम लोग का प्लान है, हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश अभी घूमने। और आपको दिखाती हूँ हल्की पौड़ी का ये होटल है तीरथ, जो लोग गंगा जी को सामने से विजिट करना चाहते हैं वो लोग इस लोग इस होटल में रुक सकते हैं, और काफ़ी अच्छा व्यू भी आता है यहाँ से। और ये देखिए बाहर का नजारा, तो आपको लक्ष्मण झूला दिखाएंगे आज। काफी ठंड हो रही है, काफी ज्यादा यहाँ पे भी रश हो रहा है गाइस, कितना सुंदर लग रहा है ऋषिकेश। जिला पे चलेंगे ना तो आपको और मजा आएगा और अच्छा लगेगा आप लोग देखोगे तो। और यहाँ पे हम सब लोग पैदल जा रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारा रश देखने को मिल रहा है। ये है गाइस जानकी झूला जो अभी नया बना है, तो अब पहले इसको विजिट करेंगे चल के। यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है गाइस, अभी हम लोग एंट्री मारेंगे। हाँ तो सुना है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जानकी झूला, तो आज जानकी झूला देखेंगे हम लोग। तो ये जो आपको सामने लाइटिंग दिख रही है ना, ये राम झूला है, अभी वहाँ पर भी चलेंगे, राम झूले को भी विजिट करेंगे चल के। और अभी हम लोग इस पर चलेंगे, देखिए कितना हम लोग, ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है गाइस, पूरा फ्लाइट ही राइड हो रही है। और मेरे पीछे शौर और मम्मी जी आ रहे हैं। तो ये झूला का है काफी बड़ा है, लक्ष्मण झूला है लेकिन इतना बड़ा मुझे नहीं लगा लिखा है। और देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत ही सुंदर। इधर हमारी साइड से गंगा जी बह रही है, तो गाइस आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आइएगा, और आप लोगों को भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा जैसा कि हम लोगों को लग रहा है। हम लोग का तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन जाएंगे अपने घर। तो फिलहाल देखिए चारों तरफ लाइट ही लाइट हो रही है,
और फुल हम लोग इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, फुल क्रॉस कर रहे हैं अपना पूरा फुल। चारों तरफ एकदम लाइट ही लाइट्स हो रही हैं, बाकी हम लोग चल रहे हैं। और देखिए शॉर्ट तो कैप भी लगाया हुआ है क्योंकि बहुत ठंड होने लगी है, और यहाँ पे तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है हम लोगों को। कुछ टेम्पल्स हैं वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से झूले का लुक कितना सुंदर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे चले गए और हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे डांस चल रहा है, लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। गंगा मैया के किनारे सब डांस कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ये यहाँ पर घाट है। और देखिए अंधेरे में लाइट्स लाइट्स दिख रही है एकदम, और हमारी गंगा मैया यहाँ बह रही है इधर। और ये देखिए राम झूला, और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं फुल एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और हमारा हरिद्वार वाला ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से वो ब्लॉग देख लीजिएगा गाइस। फिलहाल गाइस मैं आपको बताऊँ तो मुझे अभी थोड़ा सा, अभी हम लोग की स्टार्टिंग है मेरी और शौर्य की, तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा ब्लॉगिंग करना नहीं आता है, तो उसको थोड़ा सा आप नेवर माइंड करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और डे बाई डे हम लोग और अच्छे ब्लॉग्स बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और करेंगे भी बहुत अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए और अच्छे अच्छे लेके आएंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करिए गाइज। तो फिलहाल हम लोग ऋषिकेश में हैं और ऋषिकेश का मज़ा ले रहे हैं, बहुत ही सुंदर। देखिए तो गाइस देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है हम लोगों को। हमारी मम्मी जी खड़ी हैं और ये शोर तो यहाँ पे मस्ती करने में लगा हुआ है। उसको ब्लॉग की थोड़ी बहुत पड़ी नहीं है अभी, अभी छोटा है ना, तो उसको भी मैं ही थोड़ा सा हैंडल करती हूँ ब्लॉग वगैरह को, तो मैं ही बनाती हूँ ये झूला। और इसके आगे जो आप देख रहे हो ना ये उधर को, वहाँ पर है राम झूला। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं राम झूला, वहाँ पर आपको दिखाएंगे पूरा राम झूला। अभी चलते हैं, अभी मम्मी जी गई हुई हैं, मम्मी जी आरती। तो मम्मी जी तो नीचे दीपक जलाने गई हैं गंगा मैया पे, देखिए आ रही हैं मम्मी जी। अब यहाँ ऋषिकेश का ये है घंटाघर, और यहाँ पे सब गरीब लोग बाबा लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग तो जा रहे हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने, और देखिए कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। मंदिर भी है यहाँ पर, ये बाबा लोग बैठे हैं। तो देखिएगा तो हम लोग आ गए हैं परमात, और यहीं पे शिव जी की मूर्ति भी है, तो शिव जी के दर्शन भी करेंगे हम लोग। हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो अभी हम लोग गाइस यहाँ पे आके एकदम मन को शांति मिल गई है, बहुत सुकून लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर व्यू आ रहा है नीचे गंगा जी, ऊपर भोलेनाथ जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर हमारे हनुमान जी हैं, पीछे हमारे हनुमान जी, और पूरा देख सकते हैं कितना सुंदर आ रहा है व्यू। चलते हैं जी, देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण जी की कितनी यूनिक मूर्ति लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लग रहा है कान्हा जी का, राधा मैया जी का वाले, तो फिलहाल गाइस हम लोग ऋषिकेश की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आप खुद देख सकते हो इतनी यूनिक यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत ही अमेजिंग।
बेच रहे हैं। लड्डू गोपाल जी बैठे हुए। तो लड्डू गोपाल जी देखिए, बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हैं इनकी शॉप पे, और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की पोशाक, बाकी पगड़ी, आपको सब कुछ इनकी शॉप पे मिल जाएगा। आप लोग शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि लेडीज शॉपिंग करती है हर जगह, उनको शॉपिंग वगैरह ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पे आप लोग राम झूले के पास में, यहाँ पे सब शॉपिंग के लिए भी शॉप है, तो यहाँ से आप लोग शॉपिंग वगैरह भी। अभी हम लोग राम झूला के पास पहुँचे नहीं हैं, बहुत ठंडी है, धूल भी है। आ गया है राम झूला, और देखिए हाँ, बस राम झूले पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। हम लोग पहुँच गए हैं राम झूले पे, और आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू आ रहा है एकदम। राम जी हैं, राम झूला देखिए, और ये झूला हल्के हल्के हिलता भी है, हिल रहा भी है। और अभी हम लोग पीने आए थे गर्मा गर्म दूध, तो दूध हमारा रेडी हो रहा है। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो गर्मा गर्म दूध पियेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मैंने मास्क लगा लिया है, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी एयर जा रही थी नाक में, और कोल्ड वगैरह हो जाता है, इस वजह से मैंने लगा लिया मास्क। अभी आने वाला है हमारा मेरा भी आ रहा है, मेरा भी नहीं आया है, मेरा शोर का नहीं आया है, मम्मी जी का तो आ गया, मम्मी जी पी रही है अभी, तो यहाँ पर मम्मी जी पी रही है दूध। मेरा भी आ गया, अभी अब हाथ छटाती हूँ मैं, स्टार्ट गाइस, आप पी लीजिए गर्मा गर्म दूध।